जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी की क्लास में। हम लोग देख रहे थे एलपी टेक्नीशियन 2018 के क्वेश्चन पेपर, सीबीटी 1 का 30 शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हम लोग देख चुके हैं। अभी स्टार्ट किए हैं सीबीटी 2 का क्वेश्चन पेपर, जो कि पार्ट ए और पार्ट बी में हुआ था। टोटल 175 क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि आपके जॉब के लिए फाइनल करेगा। यही पार्ट बी का और पार्ट ए का जो मार्क्स आएगा, इसी के आपका मेरिट बनाएगा। अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी के क्लास से जुड़े, वहाँ सारा का सारा पीडीएफ उपलब्ध है। इसके कुछ क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे, आज उससे आगे देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन, जब एक कार की गति 25 मीटर पर सेकंड से घटकर 15 मीटर पर सेकंड हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में 200 किलो जूल की कमी होती है, तो इसका द्रव्यमान टन में बताए क्या है। तो पूछ रहा है कि इसका द्रव्यमान टन में बताए कि क्या है। तो यहाँ से देखेंगे, अगर पहले कार की वेलोसिटी की बात किया जाए V1, तो कितना था 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद अगर घटा के कितना किया गया है, घटा के यानी कि V2 कितना किया गया है, तो किया गया है 15 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या करा है, काइनेटिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा दिया है, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू इतना दिया हुआ है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ एम V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, काइनेटिक एनर्जी का मान दिया हुआ है कितना, 200 किलो जूल। तो 200 किलो जूल को किलो हटा के सिर्फ जूल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 × 10³ किलो जूल था, तो इसको सिर्फ जूल में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। अब इधर क्या बचा, हाफ एम का वैल्यू नहीं पता, एम का वैल्यू निकालना है, ठीक है। V2, अच्छा यहाँ पे V1 होगा और यहाँ पे V2 होगा, तो V1 का वैल्यू कितना है, 25 का स्क्वायर घटा ये V2 का वैल्यू कितना है, 15 का स्क्वायर, बस यही कर देना है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये तो यही रह जाएगा, 200 × 10³ जूल। जब इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 625, और इसको गुना करेंगे तो हो गया 225, इसको जब घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 400। तो गुना कितना हो गया, 400 से इसको कटा देंगे तो कितना बार में कटेगा, 200 बार में, यानी कि फाइनल अब आ गया है, एम का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। आगे देखेंगे कि क्या आया था, 1/2 m, इधर आया था 200, यानी तो 400 आया था, तो ये दो बार में कट जाएगा, तो इधर क्या था, 200 × 3, क्योंकि केजी में था तो इसको हमने जूल में कन्वर्ट किए थे, तो ये कट गया कितना बार में, 200 बार में, तो क्या हो गया, 200 × 10³ m × 200, ठीक है, m × 200। तब यहाँ होगा क्या देखते हैं, ये 20 से इसका 2 ख़त्म हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 10^1, 10^1 का मतलब कितना, 10 से इसको गुना करें तो कितना हो जाएगा, 2000। इधर बचा क्या है, m × 2, जब ये 2 से फिर कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा, 1000 बार में, 1000 kg। तो हमको पूछा क्या है, आंसर टन में पूछा है, तो 1000 kg का वैल्यू कितना होता है, 1 टन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 1 टन, क्योंकि 1000 kg आया, तो 1000 kg टन में ही पूछ रहा है, तो 1000 kg बराबर होता है 1 टन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। समझ गया, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था,
फार्मूला में बनता। अगला क्वेश्चन, 6 सेंटीमीटर × 8 सेंटीमीटर × 5 सेंटीमीटर माप के और 1.92 न्यूटन भार वाले लकड़ी के एक टुकड़े का घनत्व तो केजी मीटर क्यूब में ज्ञात कीजिए। जी का वैल्यू दिया हुआ है 10 मीटर/सेकेंड। कह रहा है कि केजी मीटर में ज्ञात करें। ये सारा चीज़ क्या दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया है, ए न्यूटन में दिया है। तो सबसे पहले हम सबको क्या करेंगे, एक न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले इसका न्यूटन में जो दिया हुआ लकड़ी का भार, इसको निकाल लेते हैं। तो W बराबर कितना दिया हुआ है, 1.92 न्यूटन, न्यूटन दिया है। तो W बराबर क्या होता है, W में होता है mg, W में क्या होता है mg, इसी का वैल्यू दिया हुआ कितना, 1.92। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ हमको क्या चाहिए, m चाहिए, भार चाहिए। तो m बराबर क्या हो जाएगा, 1.92 × 10। 10 कहाँ चला जाएगा, 10 किसका वैल्यू, जी, जी का वैल्यू क्या है, 10। ये 10 नीचे आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे एक जीरो है, तो 0.1 और आगे आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 0.192 केजी। क्या हो जाएगा, 0.129 केजी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, केजी में कन्वर्ट कर लिया। अब ये आ गया, अब हम यहाँ से निकालेंगे आयतन, इसको याद रखना है। अब हमें क्या चाहिए, आयतन, वैल्यूम, आयतन चाहिए। तो आयतन दिया हुआ है कितना, ये तो यही तो आयतन दिया हुआ है, कितना दिया है, 6 × 8 × 5। ये सब सेंटीमीटर में है, क्या चीज़ में है, सेंटीमीटर में। तो इसको क्या चीज़ में कन्वर्ट कर देंगे, मीटर में। तो सेंटीमीटर में तो कितना हो जाएगा, 10^2 यानी कि 10^-6 हो जाएगा। ये सब नीचे में आता, नीचे से जब ऊपर जाता तो −10^6 हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग बता सकते हैं कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान इंटू आयतन, द्रव्यमान इंटू क्या होता है, आयतन। तो यही तो पूछ रहा है, घनत्व पूछ रहा है, घनत्व। तो घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान कितना निकाल के लाए थे, 0.192। ठीक है, इतना निकला था केजी। अब आयतन, आयतन क्या निकल के आया, यही तो निकल के आया, 6 × 8 × 5 × 10^6। तो ये 10^6 ऊपर चला जाएगा, 10^6, और नीचे कितना आ जाएगा, 1, 2, 3, 10^3। तो 10^3 से 10^3 चला गया, कितना बचेगा, 10^3 ऊपर बचेगा। अब नीचे कटा देते हैं, 6 से कटाएंगे तो कितना बार में, 6 × 3 = 18, बचा कितना, 1 × 6 = 12। फिर 4 × 8 से कटाएंगे कितना बार में, 4 बार में। फिर अब नहीं कटेगा तो 4/5, 4/5 आ गया। तो 4/5 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 1000 था और 4, फिर से समझते हैं। आ गया कितना, 4/5, और यहाँ पे बचा था 10^3। तो 10^3 का वैल्यू कितना होता है, 1000 होता है, और यहाँ पे क्या था, 4/5। तो इसको जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4000, या इसे भी कटा सकते हैं, 200 बार में कितना बार में कटेगा, 200 बार में, 200 × 4 कितना हो गया, 800 kg/m³। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को हल करें, इसको सॉल्व करना है। तो कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो क्या करेंगे देखेंगे, सबका पहले दशमलव हटाएंगे, क्या है, √0.2025 + √0.1225। ठीक है, दशमलव हटाएंगे तो कितना जीरो आएगा, 1, 2, 3, 4 आएगा।
अब इसका अगर दशमलव हटाएंगे तो कितना आएगा, इसमें भी आएगा चार, एक दो तीन चार, दशमलव क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब इसको अंडर रूट से अगर बाहर करते हैं 20-25 को, तो किसका वर्ग होता है, तो ये होता है 45 का वर्ग होता है, कितना होता है 45। और 1000 को अगर बाहर करेंगे अंडर रूट से, तो ये कितना होता है 100 का, कितना होता है 100 का, ये भी अंडर रूट में है। फिर प्लस जब इसको बाहर करेंगे 12-35 को, तो किसका वर्ग होता है 35 का, बटे में क्या हो जाएगा, इसको जब बाहर करेंगे तो 100। बस यही आया फाइनल। इसको जब भाग करेंगे, जब 45 को 100 से भाग देंगे तो 0.45 आएगा, कितना आएगा 0.45। जब 35 को 100 से भाग देंगे तो कितना आएगा 0.35। बस यही दोनों को जोड़ देंगे, 5 × 2 = 10 की 0, 7 × 1 = 8, इधर 0.8, यानी कि 0.8 आएगा, 0.8। कोई भारी सवाल नहीं था, आसान ही था। अगला क्वेश्चन, 5x/3 - 6/7/2 × 2x/5 - 1/3 = 1/3 है, तो इसको सॉल्व करना है। ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, इसमें भी कोई इशू नहीं है। तो करना क्या है, पहले जो दिया है सवाल को उसको लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, 3x/3 - इसको सॉल्व करके लिख देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 14x/10, गुणा कर देते हैं अंदर ही, बटे टेन, और क्या हो जाएगा प्लस, ये कितना हो गया 1/6 + 1/6 = कितना हो गया 1/3। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, दोनों का लघुत्तम हो गया 30। ऊपर क्या हो जाएगा, कितना बार में कटा 10 × 10 = 50x, माइनस कितना बार में कटेगा, 3 × 14 = 42x, कितना आ गया 14 × 42। इधर क्या बचा है, इसको अगर कटा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1/3, कितना हो जाएगा 1/3। ये इसको ले लेते हैं लघुत्तम, ठीक है। और यहाँ पे कुछ था नहीं, ठीक है, तो ये हो गया कितना 1/3 - 7/6, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, घटेगा तो ऊपर बचेगा 8, नीचे बचेगा, अब ऊपर 8x, नीचे 30, 8x/30 इधर हो गया 5/6। जब x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 25/8, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा 25/8। अगला क्वेश्चन, उस गिरनी प्रणाली का यांत्रिक लाभ ज्ञात कीजिए जिसकी दक्षता यानी कि कैपेसिटी 60% हो, तो खींचने का भार 3 मीटर ऊपर उठता हो। तो क्या कर रहा है, उस गिरनी की यांत्रिक लाभ पूछ रहा है, मैकेनिकल लाभ पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्षमता, यांत्रिक लाभ, क्षमता बराबर क्या होता है, क्षमता बराबर होता है यांत्रिक लाभ गुना 100 / वेग अनुपात। क्षमता बराबर होता है यांत्रिक लाभ बटे वेग अनुपात गुना 100। तो क्षमता यहाँ पे दिया हुआ है कितना है 60% दिया हुआ है। यांत्रिक लाभ हमें निकालना है, यांत्रिक लाभ। और यहाँ पे वेग अनुपात तो दिया हुआ है, वेग अनुपात कितना दिया हुआ है,
ये दिया हुआ है चार, चार गुना 100, गुना कितना हो गया 100। हो जाएगा यांत्रिक लाभ बराबर यांत्रिक लाभ बराबर हो जाएगा 60 × 4/100। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 10 से 10 कैंसिल, 2 से कितना बार में, ये 2 से कटेगा, ये 5 से कटेगा, तो कितना हो गया 6 × 12/5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 5 × 10 बचा कितना 4, बचा 2, 2 के 0.4×5=20, 4 बार में, यानी कि 2.4 होगा इसका यांत्रिक लाभ, 2.4। अगला, पारासेटामोल प्राथमिक चिकित्सा बक्स में मौजूद होते हैं, इन दवाओं को कब लिया जाना चाहिए। तो क्या कह रहा है कि हल्के दर्द और तेज बुखार को कम करने के लिए लिया जाना चाहिए पारासेटामोल को। पारासेटामोल बहुत ही उपयोगी दवाई होता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि 50 मीटर लंबे स्टील की छड़ से एक कामगार को 205.25 मीटर लंबाई के यथासंभव टुकड़े काटने हैं, पूरी छड़ को कितने हिस्से शेष बचेगा काटने के बाद। तो कह रहा है क्या, एक लंबा छड़ है, ठीक है, जिसकी लंबाई टोटल लंबाई कितना है 50 मीटर है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है, कितना 5.25 के टुकड़ों में काटना है। तो बोलता है काटते काटते जो शेष बचेगा तो उस टुकड़े की लंबाई क्या होगा वो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, उस टुकड़े की लंबाई पूछ रहा है कि क्या होगा। तो करना क्या है, 50 मीटर में 5.25 से डिवाइड कर देना है, जो शेष बचेगा वही इसका आंसर होगा, शेष क्या बचेगा 0.055, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, सवाल में कुछ था ही नहीं, आसान सवाल था, बनना था सबसे। अगला क्वेश्चन है, इस टाइप का सवाल हमने सेट वन में बताया था, इसीलिए इस सवाल को होमवर्क में के रूप में छोड़ रहे हैं, आप लोग बना के इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगला, उस अक्षर का समूह का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। तो अन्य से कह रहा है कि भिन्न है, ई एफ, यानी ई होता है 5, एफ होता है 6, जी होता है 7, सब कंटिन्यू है, आर होता है 18, एस 19 और टी होता है 20, ठीक है, फिर एम, एम होता है 13, क्यू होता है 15, ओ होता है 15 और क्यू होता है 17, फिर एल, के होता है 11, एल होता है 12 और एम होता है 13। तो इसमें क्या हो रहा है कि गैपिंग एक एक का हो रहा है, कितना का हो रहा है, एक एक का हो रहा है, एक एक का हो रहा है, लेकिन यहाँ पे गैपिंग दो दो का हो रहा है, 13 से 15, 15 से 17, दो दो का। तो इस तीनों में सेम फॉलो कर रहा है, एक में सेम फॉलो नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सेल्सियस को फॉरेनहाइट में बदले, ठीक है, कह रहा है यहाँ पे कितना सेल्सियस 167 फॉरेनहाइट के बराबर होगा। तो फार्मूला होता है C-0/100 = F-32/180, ठीक है, ये फाइनल फार्मूला होता है, इसे याद रखिएगा। तो C-0, तो C का मान लेते हैं X, X में 0 जाएगा तो क्या हो जाएगा, X/100। इधर फॉरेनहाइट, फॉरेनहाइट कितना दिया है,
167 में 32 माइनस कर देंगे तो कितना होगा, 167 में 32 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 135। 135 अब बटे कितना है, 180। अब इसी को कटा देंगे, क्या करेंगे, इसी को कटा देंगे, 20 से कटाएंगे 5 बार में, 20 से कटाएंगे 9 बार में, 9 से कटेगा 15 बार में, कितना बार में कटेगा 15 बार में, और तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, 15 गुना 5 कितना आ जाएगा 75। x का वैल्यू कितना निकल के आ गया 75, यानी कि सेंटीग्रेड में इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 75 सेंटीग्रेड का वैल्यू हो जाएगा 167 फारेनहाइट। मेन फार्मूला ये था, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन, 190 सेंटीग्रेड तापमान वाले 2 लीटर अतितिप्त पानी को, अतितिप्त यानी बहुत गर्म पानी को 20 सेंटीग्रेड तापमान वाले 6 लीटर ठंडे पानी, उसके तुलना में ठंडे पानी साथ मिलाया जाता है तो ऊष्मा का नो हानि हो, ऊष्मा का हानि नहीं होता है तो अति संतुलन तापमान क्या होगा, अति संतुलन तापमान क्या होगा। तो ये देखेंगे फार्मूला क्या था, थीटा 1 बराबर दिया जाता है कि जो पहले पानी का टेम्परेचर है कितना है 190 डिग्री सेंटीग्रेड, और एल वन होता है कि कितना लीटर पानी है सबसे गर्म पानी तो 2 लीटर, एल टू का वैल्यू हो गया, एल वन का वैल्यू 2, फिर थीटा 2 का वैल्यू कि उसमें जो मिलाया जाएगा उससे ठंडा पानी उसका वैल्यू वो कितना है 20 सेंटीग्रेड। L2 यहाँ पे क्या हो जाएगा कि कितना लीटर मिलाया जाता है तो 6 लीटर, बस यही करना था और कुछ नहीं करना था, सवाल बन गया, क्या हो गया, सवाल बन गया। तो ये हो जाएगा थीटा 1 प्लस L1 थीटा वन इंटू एल वन प्लस थीटा टू इंटू एल टू बाय एल वन प्लस एल टू, बस यही करना था और कुछ नहीं करना था, ये फार्मूला है और सवाल बन गया। ये लिख लीजिए, अब फार्मूला देख लेते हैं। तो थीटा 1 का वैल्यू कितना था 190, एल 1 का वैल्यू 2 प्लस थीटा 2 का वैल्यू कितना था 20 और एल 2 का वैल्यू कितना था 6 बाय एल 1 कितना था 2 और एल 2 कितना था 6, इसको गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 380 प्लस ये कितना आ जाएगा 120 बटे 6 2 8, जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 500 बटे 8, जब इसको डिवाइडेड करेंगे तो कितना आएगा 8 6 48 बचा कितना 2 फिर 0 तो 8 2 16 फिर बचा 4.5, यानी कि 62.5 संतुलित टेम्परेचर होगा, संतुलित यहाँ पे दिया हुआ है कि हानि ना हो, इसीलिए हानि होगा निश्चित तौर पे होगा लेकिन सवाल में लिख दिया है इसीलिए कोई हम लोग अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। अगला क्वेश्चन, थोड़े समय तक हवा में 10 लाख कणों में लगभग 900 कण की मौजूदगी में सांस लेने से थकान, चक्कर आना और सिर दर्द होना, ये क्या है, तो ये क्लोरोफॉर्म, 10 लाख कणों में क्लोरोफॉर्म के लगभग 900 कण की मौजूदगी होगा तो फिर दिक्कत होगा सांस लेने में, राइट आंसर क्या हो जाएगा क्लोरोफॉर्म। अगला क्वेश्चन, 14H2 का वैल्यू कितना है 80, फिर आगे क्या दिया हुआ है 20H6 का वैल्यू दिया हुआ है 130,
फिर आगे क्या दिया हुआ है, 8H12 का वैल्यू क्या होगा, पूछ रहा है कि वैल्यू क्या होगा, किस तरह कोई कोडिंग किया हुआ है वो कोडिंग बताना है। तो किया क्या गया है देखेंगे, ये दोनों को प्लस किया गया है, 14 2 कितना आ गया 16, कितना आ गया 16, और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया है, कितना से किया गया है 5 से, तो कितना आ गया 16 5 6 80। तो वही फार्मूला सब में लागू किया गया है, सेम फार्मूला लागू किया गया। यहाँ पे 10 है तो कितना आ गया 20 10, अच्छा 20 ही होगा क्योंकि गलती से यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, एक बीच में भी था ये वाला, ठीक है। तो ये कितना हो गया 26, 20 छः कितना हो गया 20 छः हो गया 26, 26 गुना 5 कितना हो गया 130। तो फिर वही फार्मूला इसमें भी लागू होगा, 12 गुना 12 जोड़ 8 कितना हो गया 20 और गुना 5, 20 गुना 5, सब में 5 से गुना कर रहे थे इसीलिए इसमें भी 5 से गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा 100। राइट आंसर क्या हो जाएगा 100। रीजनिंग का क्वेश्चन था, ऐसे देखने से टफ लग रहा था लेकिन दिमाग थोड़ा सा यूज करना होगा। अगला क्वेश्चन, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समषष्ठभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए, ठीक है, क्षेत्रफल क्या कर रहा है सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये फंसाने के लिए किया गया है क्योंकि भुजा हमको सेंटीमीटर में ही दिया है, तो क्षेत्रफल भी सेंटीमीटर में आसानी से निकल जाएगा, कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो समषष्ठभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समषष्ठभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है 6 गुना √3/4 भुजा स्क्वायर, √3/4 भुजा स्क्वायर, 6 गुना √3/4 भुजा स्क्वायर। अब यहाँ पे सबका वैल्यू रख देंगे तो क्या आ गया 6√3/4, अब भुजा का वैल्यू कितना हो गया 10 गुना 10, यही तो था, कटा देंगे 2 से 5 बार में, फिर 2 से 5 बार में, इधर कितना हो गया 25, इधर कितना हो गया 25, इधर कितना है 6√3, 25 गुना 6 कितना आ गया 150√3, 150√3 ऑप्शन नंबर ए सही है। तो फार्मूला याद होना चाहिए, समषष्ठभुज की भुजा होता है क्षेत्रफल होता है 6 गुना √3/4 भुजा स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, कथन दिया है कि 5 ऊंचाई 5 फीट 6 इंच से 6 फीट के बीच होनी चाहिए फाइटर पायलट की भर्ती के लिए, ठीक है, फाइटर पायलट की भर्ती निकला है जिसके लिए हाइट का मायने रखा हुआ है, कितना से कितना आना चाहिए, तो 5 फीट 6 इंच से लेकर 6 फीट होना चाहिए। तो पहला क्या रहा, फाइटर पायलटों को आकर्षण होना चाहिए, कह रहा है कि देखने में लंबा दिन सुंदर लगता है क्योंकि युवाओं के लिए आदर्श है, ठीक है, यह कोई बात मायने नहीं करता है। अगला क्या कह रहा है, केवल कुछ शारीरिक प्रकार के लोग के लिए ही फाइटर प्लेन के कॉकपिट में जगह दिया जाता है, जो प्लेन उड़ाता है उसके लिए, हाँ, तो ये आकार तो सबको उपलब्ध नहीं होता है, सब आदमी तो 6 फीट के नहीं होते, कुछ ही आदमी होते हैं, तो क्या है कि केवल कुछ शारीरिक प्रकार के आदमी, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या होगा सही होगा, अब धारणाएं 2 निहित है। अगला क्वेश्चन, आगे के क्वेश्चन अगले क्लास में देखेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।